देश में कोरोना के केसों की तेजी डरा रही है। दिल्ली और मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के, वहीं लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल है कि अगर ऐसे ही जारी रहेगी लापरवाही तो कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। ये हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग गायब। ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां नए साल पर ताजमहल को देखने के लिए सैलानी उमड़ पड़े। फोटो खिंचवानी है तो मास्क तो नीचे आ ही जाएंगे। आप शहर बदलते जाइए लेकिन हालात नहीं बदले। तब भी जब दिल्ली और मुंबई से डराने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन दिल्ली में 2700 के पार हो चुके हैं कोरोना केसेस। 31 दिसंबर से 51% ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। 21 मई के बाद सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर 3.64 हो चुकी। मार्केट का हाल देख लीजिए। साल 2022 का आगाज हो चुका है, नए साल की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसमें बेहद सावधानी की जरूरत है। सावधानी इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में इस वक्त दोबारा से बन गया है। बाजारों में क्या हाल है तो वो आपको एक बार दिखा देते हैं तस्वीरें। दिल्ली की जनपद मार्केट में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें के बाजार में जो लोगों की संख्या है उसमें हालांकि बहुत ज्यादा कमी नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें सावधानी की तो लोग जो हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की हालांकि बाजार में काफी कमी जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है। अगर संक्रमण दर 5% के पार पहुंच गया और या 16,000 केस रोजाना सामने आए तो तुरंत ही रेड अलर्ट लग जाएगा, जिसके तहत अधिकांश गतिविधियां बंद हो जाएंगी। हरियाणा में बढ़ते केसों के बाद महामारी अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में कोरोना नियम कड़े किए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत में नियम लागू होंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम बंद किए गए। कार्यालयों में 50% कर्मचारी रखने का आदेश। लेकिन अब भी लोग सुनने को तैयार नहीं। वही हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। 1 जनवरी को मुंबई में कोरोना के 6,347 केस सामने आए। मुंबई में कोरोना केस 12% बढ़ गए हैं। वहीं मुंबई में 157 बिल्डिंग्स को सील करना पड़ा है, जबकि महाराष्ट्र में कुल 9,170 केस दर्ज किए गए। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में संख्या दुगनी हो रही है और अभी चैलेंज इतना ही है कि हम खास तौर पर ये देखना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा इसमें कितनी मात्रा या कितनी संख्या आ रही है, तो इसके लिए हमने सभी आरटीपीसीआर लैब्स को भी इतला किया है। इसी तरह गुजरात में 1,069 केस, उत्तराखंड में 118 नए केस, एमपी में कोरोना के 124 नए केस सामने आए, केरल और मिजोरम में भी केस बढ़े हैं। धानी में ही समझदारी। देखिए देश में कोरोना मामलों की हालत क्या है वो हमने आपको दिखाया, ये भी बताया कि बच्चों को टीका लगना कल से शुरू हो जाएगा। आपने अगर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज ही करवाइए। एबीपी न्यूज बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए ये मुहिम लगातार चलाता रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।